HGTB students, I am Jaspreet from Shri Guru Tegh Bahadur School, NH9, Dingdor, Sirsa. Students, today we will revise bookwork of chapter 12. Name of the chapter is The Honest Woodcutter. So let's begin. First of all, take the correct option. First one is Naseebu was a poor. Naseebu ek poor kya tha? Laborer, farmer ya woodcutter. क्या था वो? एक वुड कटर था. ठीक है. बाय चांस नसीबूज आयरन एक्स फेल इनटू द. बाय चांस नसीबू की आयरन कहाँ पर गिर गई थी? रिवर, वेल या डीप पिट. कहाँ गिर गई थी? रिवर में. सो यू हैव टू रिवाइज इट. ओके. नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. हमारे पास ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें वर्ड्स दिए गए हैं, ये हमने ब्लैंक में फिल करने हैं. जैसे वन डे नसीबू वॉज कटिंग ब्लैंक फ्रॉम अ ट्री दैट स्टूड ऑन द ब्लैंक ऑफ अ रिवर. एक दिन नसीबू क्या कर रहा था? क्या कट कर रहा था? वुड को ट्री में से, जो कि नदी के किनारे थी. ठीक है, कि जो नसीबू है वो ट्री कट कर रहा था जो कि ट्री नदी के किनारे था. द वुड कटर टोल्ड गॉड मर्क्री हिज स्टोरी. कैसी स्टोरी सुनाई थी वुड कटर ने गॉड मर्क्री को? सैड स्टोरी, है ना, सैड स्टोरी. ठीक है, वैसे ही आपने नेक्स्ट करने हैं रिवाइज. ठीक है, जैसे नसीबू ब्लैंक टू टेक द गोल्डन एग्स. नसीबू ने गोल्डन एग्स, जो गोल्डन एग्स थी उसे लेने से क्या कर दिया था? रिफ्यूज्ड, मना कर दिया था, है ना. ठीक है, तो आपको ये दो भी ऐसे ही रिवाइज करने हैं. ओके. नेक्स्ट है बेटा ऑन पेज नंबर 66 हमें मैच द अपोजिट्स दिए गए हैं. कॉलम वन को कॉलम टू में जो पॉइंट्स हैं उनके साथ सही मैच करना है. जैसे पुअर, रिच, टॉल, शॉर्ट, रिफ्यूज, एक्सेप्टेड, टेक, गिव, स्टॉप, स्टार्ट, न्यू, ओल्ड. ठीक है, ये तो इजी है, हमें मैच करना आता है, तो ये भी आपको रिवाइज करना है. ओके. फिर है बेटा यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन. हमें ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमने इनके ऊपर, मतलब ये वर्ड्स भी आने चाहिए, सेंटेंस यूज करने हैं. ठीक है, सेंटेंस राइट करने हैं. जैसे अपियर्ड, अपियर्ड पर जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस राइट किया हुआ है ही अपियर्ड आउट ऑफ द रिवर. ठीक है, ऐसे ही आपको सेंटेंस राइट करना है. जैसे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. रिवॉर्डेड, ही रिवॉर्डेड मी फॉर माय ऑनेस्टी. मींस ऐसे ही आपको खुद के वर्ड्स में आपको खुद के ही सेंटेंसेस बनाने हैं. ओके. फिर है देखो वॉज वर्ब ग्रामर पोर्शन में हमारे उसी के नीचे हमें वॉज वर्ब गिवन है. देखो वॉज हम कब यूज करेंगे? जब हमें पास्ट की बात हो रही हो ना, पास्ट टेंस का जब हम यूज करेंगे तब हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे. जब पास्ट मीन्स की जबकि पहले की जो बात हो चुकी हो तब हम यूज करेंगे. देखो जो वॉज है वॉज हम किसके साथ यूज करेंगे? ही, शी, I, everyone means कि जब singular, singulars की बात हो तब हम was का use करेंगे. जब हम plural noun की बात हो तब हम were का use करेंगे. जैसे you, we, they, ये सब क्या है? Plurals हैं, इनके साथ हम were का use करेंगे. अब हम start करेंगे fill in the blanks with was और were. ठीक है, रवि, रवि कौन है? एक सिंगल बॉय है, है ना. रवि स्टडिंग लास्ट नाइट. लास्ट नाइट मीन्स कि ये हमारी बात हो चुकी है, तो हम रवि वन है तो क्या आएगा? सिंगुलर के साथ वॉज. ठीक है, फिर है नाउ वी विल टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ वॉज. जैसे ही जो है हमारा क्या है? सिंगुलर है. सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज. He was hurt, so he went to the hospital for treatment. उसे मतलब लग गई थी इसीलिए वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल गया था.
है ना। तो ही सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। अब हम वर्ब, वर्ब का यूज करेंगे कब, जब हमारे पास प्लूरल की बात हो। जैसे वी, वी, वी में हम मतलब बहुत सारे काउंट कर सकते हैं, बहुत सारे जनों की बात हो रही है ना। तो हम वी वर गोइंग टू द मार्केट व्हेन इट रेन्ड हैवीली। हम मार्केट के लिए जा रहे थे जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही थी, है ना। आगे दे, दे वे काफी सारे होंगे इसमें, है ना। दे में काफी सारे पर्सन या जने हो सकते हैं। दे वर प्लेइंग स्ट्रीट क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, है ना। तो आपको जो मैंने अभी करवाया वो सब रिवाइज करना है, ओके।